कोरोना से रिकवर होने के बाद भी कई लोगों में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की समस्या तो आ ही रही थी, लेकिन अब मरीजों में एक अलग ही बीमारी देखने को मिल रही है। कोरोना के बाद मरीजों में अब साइटोमेगालो वायरस यानी CMV का भी इन्फेक्शन देखा जा रहा है। CMV की वजह से मरीजों के स्टूल के रास्ते में ब्लीडिंग हो रही है। ऐसे 5 मरीज इलाज के लिए सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे, जिनमें से एक की मौत हो गई, एक की सर्जरी की गई और 3 को एंटीवायरल थेरेपी की मदद से इलाज दिया गया। देश में पहली बार पोस्ट कोविड मरीजों में यह इन्फेक्शन देखा जा रहा है। इस इन्फेक्शन से जुड़ी कुछ बड़ी बातें इस वीडियो में आप जानेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं किन लोगों को है ज्यादा खतरा। दरअसल जब किसी का इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत कमजोर हो जाती है तो कई ऐसे संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है जो अमूमन नहीं होते हैं। गंगाराम अस्पताल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर अनिल अरोड़ा ने कहा कि कई ऐसे वायरस हैं जो शरीर में होते हैं या वातावरण में मौजूद होते हैं, लेकिन उनका शरीर पर असर नहीं होता क्योंकि शरीर की इम्यून क्षमता इसे रोकने में सफल रहती है। यह बीमारी उन्हें होती है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। अभी कोविड की वजह से लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है और ऐसे में मरीज जो पोस्ट कोविड की स्थिति से गुजर रहे हैं उन्हें ऐसी बीमारी का खतरा बना हुआ है। देश के 90% लोगों में है ये वायरस। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि पोस्ट कोविड वाले ऐसे 5 मरीज इलाज के लिए सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे। किसी भी मरीज का ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था, कैंसर या एड्स जैसी बीमारी नहीं थी कि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाए, लेकिन इसके बाद भी इन्हें CMV का संक्रमण हो गया क्योंकि ये सभी पोस्ट कोविड के दौर से गुजर रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि देश में 80-90% लोगों में यह वायरस शरीर में होता है, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चूंकि अभी लोग इस हालात से गुजर रहे हैं तो उन्हें अब इसका भी संक्रमण हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि हमें पहले पता नहीं था कि स्टूल के रास्ते में संक्रमण की वजह क्या है। जब बायोप्सी की गई तो इन मरीजों में CMV का संक्रमण मिला। घबराएं नहीं, CMV का इलाज है संभव। डॉक्टर अरोड़ा ने यह भी कहा कि पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बारे में लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन CMV के बारे में अभी नहीं जानते। इसलिए अगर किसी मरीज में इस तरह की ब्लीडिंग की समस्या होती है तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाएं। इसका पूरा इलाज संभव है, एंटीवायरल थेरेपी के जरिए इसका इलाज हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो 5 मरीज इलाज के लिए आए थे उनकी उम्र 30-70 साल के बीच थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।